एंटी ड्रग्स ऑपरेशन चलाते हुए आज कछार पुलिस ने 50 करोड़ के याबा टैबलेट्स की एक बड़ी खेप जब्त की। पुलिस को 50 पैकेट्स में 5 लाख याबा टैबलेट्स मिले हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी नुमल महत के नेतृत्व में रुबेल हुसैन मजुमदार नामक शख्स के घर पर छापेमारी की गई और इन याबा टैबलेट्स को जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों की पहचान रुबेल हुसैन मजुमदार और साइदुल हुसैन मजुमदार के तौर पर बताई गई है। इसके अलावा एक बोलेरो वाहन भी सीज किया गया है। संदेह जताया जा रहा है कि याबा टैबलेट की इस बड़ी खेप की तस्करी म्यांमार से मिजोरम के चांफाई जिला होते हुए असम में की जा रही थी। जब ड्रग्स को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने की योजना थी। एसपी नुमल महत ने जानकारी दी कि एक हफ्ते में ये दूसरी सबसे बड़ी जब्ती है। Against the narcotic substances has been going on. It is a war against the drugs that is continuing, and as a part of it, today in the wee hours, we have launched a special operations in the Silchar city. There is a place called Bagador, and it is by the Barak River. So we launch a special operations day, and during the operations, we have recovered huge quantity of Java tablets. It is 5 lakhs Java tablets from the house of one person. It is called Rubel Hussein Majumdar, his son of Botai Mia Majumdar, Bagador Silchar. And from the position of this person and his brother name is Saidul Hussein Majumdar. From both the houses, we have recovered a huge quantity of Java tablets. And also, during the operation, we are also able to seize the vehicle which was used for transportation. It is a Bolero vehicle, white Bolero vehicle. That vehicle has been used by Ruben Hussein Majumdar, and they were bringing these narcotic substances from nearby state, and they were planning to transport them to the other part of the country. And the market price of this narcotic substances is about 50 crores, more than 50 crores in the तो कछार पुलिस की इस बड़ी सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि असम पुलिस ने बेहतर काम किया है, सफलता के मार्ग में वे इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। तो कछार में याबा टैबलेट्स की बड़ी खेप जब्त हुई है। 50 पैकेट्स में 5 लाख याबा टैबलेट्स जब्त हुए हैं और कछार में एक हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी जब्ती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी ट्वीट कर कछार पुलिस की इस बड़ी सफलता पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि असम पुलिस ने बेहतर काम किया है और सफलता के मार्ग में वे इसी तरह आगे बढ़ते जाएं।